हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टैनो मास्टर में। आज आप लोगों को कुछ अल्प विराम के बारे में बताएंगे कि अल्प विराम क्या होता है। अल्प विराम के बारे में बताते हैं, जिसको हम कॉमा भी बोलते हैं। हम कहाँ कॉमा लगाएंगे? सबसे ज़्यादा स्टैनो में प्रॉब्लम होती है कि मुझे कॉमा कहाँ लगाना है। ठीक है, आज इसके विषय में हम बात करते हैं। देखिए, कॉमा का मतलब क्या होता है? कॉमा अल्प विराम, देखिए पहले समझते हैं पूरी। अल्प विराम का मतलब होता है, अल्प मतलब होता है थोड़ी देर, विराम मतलब होता है रुकना। जहाँ पर थोड़ी देर रुका जाए वहाँ पर हम क्या लगा देंगे? अल्प विराम। चीज़ों को समझते जाइए, वीडियो लास्ट तक देखिए ताकि आपको चीज़ें समझ में आ सकें और आप चीज़ों को लिख सकें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अवधारणा पहले है क्या? तो हमने सीधे सीधे बोला है कि अन्य सभी विराम चिन्हों की अपेक्षा अल्प विराम का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। अल्प विराम का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि मुख्यतः या अंत तक किया जाता है। अल्प, देखो इसको कभी भी कहीं भी किया जा सकता है। और सीधे सीधे याद रखो, अल्प विराम का जो प्रयोग है, अल्प विराम का प्रयोग हम करते कहाँ पर हैं? तो मेन ये याद रखो, अल्प विराम का जो प्रयोग है वो हम जहाँ पर थोड़ी देर रुक जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैंने कोई भी कहा, नीरज आप खाना खा लो लेकिन ये काम भी कर लेना। देखिए, अब मैंने यहाँ पर दो बात करी। मैंने यहाँ पे कहा नीरज खाना खा लो लेकिन वो काम भी कर लेना। तो यहाँ पर देखिए बीच में थोड़ा गैप हुआ, थोड़ा सा रुके। थोड़ा सा रुकने का मतलब होता है यहाँ पर हम क्या लगा देंगे? कॉमा। आई बात समझ में? अच्छे समझ में आ गई? ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए नियम भी दिए गए हैं, आपको पढ़ना है नियम, लिख लेने हैं, ये वीडियो को लिखना है। ठीक है, केवल एकोरेशी की मैंने तीन वीडियो चार वीडियो डाली हैं। अगर आप भी अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अन्यथा फिर आपकी मर्जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अल्प विराम का प्रयोग करते समय दो बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। दो बातों का, पहला, कुछ विभिन्न मनोदशाओं को प्रदर्शित करने के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। देखो एक चीज़ और है कि जहाँ पर कोई चीज़ स्पेशल प्रकट करनी होती है, कोई चीज़ स्पेशल प्रकट करनी होती है किसी मनोदशा को या किसी चीज़ को, वहाँ पर भी हम कॉमा लगा देते हैं ऐसे ऐसे करके या ऐसे करके। समझ आ रही बात? या फिर कोई अपनी बात सर्वथा वर्जित हो उस चीज़ से, जैसे कहा मैंने कहा तुम बैठ जाओ, मैंने कहा तुम बैठ जाओ, तो तुम बैठ जाओ, तो ये हमने एक बात कही अपनी, तो इसको हमने कॉमा में क्लोज कर दिया। मैंने कहा, किसी और से कहा तो उसको बात कही है, मैंने उसको बात कही है तो उसको हम कॉमा में क्लोज कर देंगे। चीज़ें समझ में आ रही है अच्छे से? कुछ मनोदशाएं ऐसी होती हैं, जिसको समझ में नहीं आ रही है वो इसको पढ़ लेगा। कुछ मनोदशाएं प्रदर्शित करने के लिए अल्प विराम का प्रयोग करते हैं, मनोदशाओं को प्रदर्शित करने के लिए। नेक्स्ट है, कुछ मनोदशाएं भी ऐसी होती हैं जिनमें अल्प विराम का प्रयोग सर्वथा वर्जित होता है। कुछ मनोदशाएं ऐसी भी होती हैं जिनमें अल्प विराम नहीं लगता है, उनमें कैसा विराम लगता है? उसमें डबल ये वाले लगते हैं। ठीक है, चलिए जैसे प्रयोग करते हैं। पहला प्रयोग है इसका कि पहले नंबर पे आया कि किसी वक्ता के कथन का उल्लेख करने के पूर्व, जैसे कोई वक्ता है, जैसे मैं हूँ, मैं कोई बात कह रहा हूँ, उसके पूर्व अल्प विराम लगाया जाता है। मैं कोई उल्लेख कर लूँ, जैसे मैंने कहा कि तुम लोग सब लोग कहाँ जा रहे हो आज, ठीक, तो मैंने कहा मैंने अपना कथन किया, इसके बाद जो बात कहने जा रहा हूँ उसमें हम लोगों ने कॉमा लगा के स्टार्ट कर दिया। जो दो कॉमा है अल्पूर्ण, इसको बोलते हैं पूर्व अल्प विराम। ठीक है, तो अल्प विराम बोलते हैं इसको, तो इससे हमने इसको क्या कर दिया? स्टार्ट कर दिया। देखिए कॉमा यहाँ पर ये लगा, देखो हमने कहा उसने कहा और इसके बाद हमने तुरंत क्या कहा? कॉमा। इसके बाद हमने तुरंत क्या कहा? कॉमा। चीज़ें समझ में आ रही है? देखिए यहाँ पर कॉमा लगा है कि नहीं लगा? देखिए ये कॉमा लगा है ना, तो क्या है? उसने कहा, फिर देखिए कॉमा, मैं परीक्षा में बैठ रहा हूँ, तो उसने कहा इसको अलग कर दिया हमने। फिर इसके बाद जो दूसरा कॉमा स्टार्ट हुआ है वो हमने अलग कर दिया उसको। ठीक है, नेक्स्ट है, उसने कहा वह परीक्षा में बैठ रहा है। ठीक, ये भी देखिए उसने कहा है ना, तो वह वक्ता का कथन करने का उल्लेख
करने से पूर्व अल्पविराम लग जाता है। कोई बात कहो, उसके उल्लेख करने से पूर्व ही वहां पर क्या लगा दोगे? कॉमा। ठीक है, जैसे सुनीता बोली तुम कितना जानते हो मेरे बारे में, ठीक, सुनीता कहती है, सुनीता बोली कि तुम कितना जानते हो मेरे बारे में, सुनीता बोली, सुनीता बोली, इसके बाद अपना कॉमा लगा दिया। ठीक, जैसे महेंद्र सिंह धोनी ने कहा, महेंद्र सिंह धोनी बोले मैं आज रिटायरमेंट ले रहा हूं, तो महेंद्र सिंह धोनी बोले, बोले के बाद क्या लगा दो कैसे? कॉमा। ठीक है ना, राम ने कहा पृथ्वी गोल है, तो राम ने कहा, कॉमा लगा दो। ठीक है ना, तो अपनी बात सॉरी अपनी बात कहो, अपनी बात कहने के बाद वहां पर क्या लगा दो? कॉमा लगा दोगे। इसके बाद जो बात कहनी होती है हमेशा उसको दो कॉमा के बीच में उसको बंद कर देते हैं। ठीक है, याद रखेंगे इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये चीज़ें कोई नहीं बताता है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको ये सारी चीज़ें बताना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि तिलक ने कहा स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तिलक ने कहा स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यानी तिलक ने देखो पहले बात कह दी है ना, इसके बाद कॉमा लगा दिया, इसके बाद जो उन्होंने बात कही उसको कॉमा, दो कॉमा में क्लोज कर दिया। ठीक है ना, ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे, केवल आज अल्प विराम के बारे में कह रहे हैं। ठीक है, याद रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो इससे भी अच्छी लेके आएंगे। जब किसी उपवाक्य के भीतर कोई दूसरा उपवाक्य घुस जाए, समझ आया, जैसे एक और बात, एक पहले बात कही फिर इसके बाद दूसरी बात कह दी फिर लास्ट वाली बात में एक और बात घुसेर दी, है ना, तो उसमें क्या होता है? देखिए, जैसे वह लड़का जो भी आपसे मिला था पकड़ा गया, मतलब वह लड़का पकड़ा गया, ये तो एक सेंटेंस बन ही रहा था, लेकिन ये बीच में एक नया टॉपिक घुसेर दिया, है ना, तो इन लोगों ने क्या किया कि यहाँ वह लड़का करके कॉमा कर दिया और ये इसकी बात को बीच में रख दिया, इसके बाद फिर कॉमा कर दिया, ये पकड़ा गया, जबकि हमारा, हमें बोलना ये था कि वह लड़का पकड़ा गया, है ना, लेकिन इसको जो जो जैसे अब देखिए ये चीज़ें समझ में आ रही हैं आपको, अच्छे समझ में आ गई, तो वह लड़का जो अभी आपसे मिलने आया था वह पकड़ा गया, तो जब दो वाक्य, देखिए ये मेन सेंटेंस था वह लड़का पकड़ा गया, ठीक, इसके बीच में जो दूसरा सेंटेंस फालतू का घुसेर दिया गया, यानी उपवाक्य, ये मेन वाक्य था लेकिन इसमें एक और वाक्य घुसेर दिया गया, इसी को बोलते हैं उपवाक्य, जो बीच में आ जाए तो वहाँ पर हमेशा क्या लगाएंगे? वहाँ पर हमेशा कॉमा लगा देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कॉमा लगा हुआ है और यहाँ पर कॉमा लगा हुआ है, समझ में आ रहा है चीज़ों को? नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको फिर देते हैं, उस वक्त जब आप मिले थे मैं परीक्षा देने जा रहा था। देखिए अब यहाँ पर ये कह सकते हैं उस वक्त मैं परीक्षा देने जा रहा था, है ना, लेकिन इसमें बीच में ये सेंटेंस जबरदस्ती आके घुस गया कि जब आप मिले थे, है ना, तो हमने क्या किया, जब जबरदस्ती सेंटेंस को घुसेर रहा है तो हमने बीच में कॉमा लगा दिया, इस कॉमा करके इसका मतलब होता है ये दोनों कॉमा के इसको इसको बीच में हमने बंद कर दिया, एक प्रकार से इसको अलग कर दिया, तो मेरा ये सेंटेंस अलग हो गया और ये मेरा बीच में दो कॉमा के बीच में हो गया। चीज़ें समझ में आ रही हैं अच्छे से? नेक्स्ट आपका होगा क्रोध चाहे जैसा भी हो, क्रोध चाहे जैसा भी हो, ठीक, मनुष्य का विवेक छीन ही लेता है। ठीक, तो देखो मेन है कि क्रोध मनुष्य का विवेक छीन लेता है, इसमें क्या कहा गया है? क्रोध मनुष्य का विवेक छीन लेता है, लेकिन आप देखिए यहाँ पर चाहे जैसा भी हो जबरदस्ती का वाक्य बीच में घुस गया, है ना, जबरदस्ती का वाक्य, तो इसमें हमने इसको क्या किया, कॉमा लगा के और इसको एक नया काम दे दिया, इसको एक अलग कर दिया। ठीक है, मनुष्य जो क्रोध है वो मनुष्य को, मनुष्य के विवेक को छीन लेता है, ये तो ठीक है, लेकिन बीच में जबरदस्ती वाक्य घुसेर दिया, मनुष्य चाहे जैसा भी हो, क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य का विवेक जो है वो छीन लेता है, तो इसमें जबरदस्ती का ये वाक्य दे दिया गया, तो इसको हमने क्या कर दिया, इसको जबरदस्ती हमने हटा दिया वहां से कॉमा लगा के। देखो वह लड़की जो यहाँ आकर झगड़ रही थी घर से भाग गई। अब देखो ये यहाँ पर ये भी कह सकते हैं, जैसे यहाँ पर देखो ये भी बात है, देखो वह लड़की घर से भाग गई थी,
ये बात पहले बोल देते, फिर इसके बाद इसको लपेट देते, यहां पर अपनी बात कह देते। लेकिन देखो ये सेंटेंस इसके साथ फिट बैठ रहा है, लेकिन इस चीज को समझ में आ रही ना, जब आप टाइपिंग करेंगे तो इस चीज को ध्यान रखेंगे कि देखो यहां पर जो है वह लड़की घर से भाग गई, टॉपिक पूरा ये है, लेकिन उन्होंने बीच में ही अपनी दूसरी बात लगा दी। क्या? जो यहां आकर झगड़ रही थी, बीच में ही लगा दिया, वह लड़की जो यहां झगड़ रही थी, इसके बाद अपनी बात उन्होंने खत्म की कि घर से भाग गई। समझ रहे? तो वह लड़की जो यहां झगड़ रही थी घर से भाग गई, यानी दो सेंटेंस अलग अलग दिए हुए हैं। ये सेंटेंस बिल्कुल एक थे, बीच में एक नया सेंटेंस आके जोड़ दिया जो कि इसके इसके बीच में दूरियां पैदा कर रहा है, इसलिए हम उसमें क्या लगा देते हैं, अल्प विराम यानी कॉमा लगा देते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? जैसे वह जो साइकिल चला रहा था मेरा दोस्त था, अब देखिए वह मेरा दोस्त था यह तो ठीक है, ठीक, लेकिन जो साइकिल चला रहा था, अब ये जबरदस्ती का सेंटेंस दे दिया इन लोगों ने। जब ये सेंटेंस इन्होंने फालतू में दे दिया तो उसको हमने कॉमा में क्लोज कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट है संबोधन। देखिए संबोधन का क्या है, संबोधन अथवा हां नहीं सचमुच बस आदि शब्द के बाद अल्प विराम का प्रयोग होता है। आप लोग इसको अच्छे समझिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए वरना बहुत कुछ छूट जाएगा, आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक है। चलिए, संबोधन में अथवा हाँ अथवा नहीं या सचमुच हो, ठीक, या फिर बस हो, ऐसे कुछ सेंटेंस दिए हों तो उसमें आप समझ जाइएगा कि यहां पर अल्प विराम का प्रयोग होगा। जैसे हाँ मैंने कल क्लास ली थी, हाँ मैंने कल पढ़ाई की थी, हाँ मैं ये एग्जाम निकालूंगा, हाँ हमने लिखा कॉमा लगा दिया, खत्म काम। समझ में आ रहा है? अच्छे समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, नहीं मैंने कल नहीं खेला, नहीं कल मैंने टीवी नहीं देखी, यानी नहीं लगा दिया, इसके बाद हमने यहां पर क्या लगा दिया, कॉमा। चीजें समझ में आ रही हैं अच्छे से? नेक्स्ट है मोहन बाजार अकेले मत जाओ। देखो यहां पर संबोधन है, किसी को समझाया जा रहा है कि अकेले मत जाओ, संबोधन दिया जा रहा है, भाषण दिया जा रहा है यहां पर, कि माँ ने कहा कि बेटा बाजार अकेले मत जाओ। तो बेटा देखिए, और एक सबसे बढ़िया, हमने तुमको बताया था सबसे बढ़िया फंटास्टिक एक नंबर की बात याद कर लो, ये सारी थ्योरी से खत्म हो जाएगी। जहां थोड़ी देर रुकना पड़े वहां पर आप कॉमा लगा दो। जैसे हाँ मेरा यही विचार है, अब हाँ अलग कर दिया गया, मेरा यही विचार है वो अलग कर दिया गया, तो इसका मतलब इसके बीच में कॉमा है। जैसे मोहन, मोहन बाजार अकेले मत जाओ, तो मोहन एक अलग सेंटेंस लग रहा है और बाजार अकेले मत जाओ ये अलग सेंटेंस लग रहा है, तो इसमें हम लोग क्या कर देंगे, कॉमा लगा देंगे, ठीक है। चीज़ें समझ में आ रही हैं? समय आ गया है अब तो चले चलो, देखो समय आ गया है एक साथ बोला जा रहा है, अब तो चले चलो या अब तो चलो, तो इसके बीच में देखो दो के बीच में गैप है, यहां पर हमने क्या लगा दिया, कॉमा। समझ में आ रही बात? जहां पर थोड़ा सा रुकना पड़े वहां पर आप क्या लगा दोगे, कॉमा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, कॉमा की वीडियो आपको पूरे यूट्यूब चैनल में कहीं कोई नहीं बताएगा कि कॉमा कहां पर लगाना है, ठीक। तो जहां पर थोड़ा सा रुक जाए वहां पर आप कॉमा जरूर लगाए, ठीक है। सचमुच तुम बहुत चोर हो, सचमुच, देखिए सचमुच, और देखिए सचमुच कहने के बाद ये रुक गए, सचमुच तुम बहुत पढ़ते हो, सचमुच तुम बहुत गाते हो, तो सचमुच इसके बाद रुक गए, तो यहां पर हमने क्या लगा दिया, कॉमा, ठीक है। चीजें समझ में आ रही हैं अच्छे से? अब देखिए नेक्स्ट है आपका कि यदि संबोधन के मध्य में आए, संबोधन का भी मध्य में आ जाता है, ठीक है, तो दोनों ओर अल्प विराम लगाइए, दोनों ओर अल्प विराम लगाइए, ठीक है ना। जैसे शांत रहिए मोहन जी, आप मेरी बात सुनेंगे या अपनी ही सुनाते जाएंगे। तो देखिए शांत रहिए, एक बार रुक गए यहाँ पर बीच में, कॉमा लगा दिया, मोहन जी कॉमा लगा दिया, आप मेरी बात सुनेंगे या, अब देखिए यहाँ पर सुनेंगे और या अगर ना लगा होता तो यहाँ भी कॉमा लगा देते, लेकिन यहाँ पर कॉमा इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर इन्होंने या बोल दिया है, ठीक है। जब यहाँ पर या बोल दिया है तो यहाँ कॉमा लगाने का कोई
सिस्टम ही नहीं है, ठीक है। तो या अपनी बातों को सुनाते रहे, अगर यहां पर या ना लगता तो क्या हो जाता, यहां पे भी कॉमा लग जाता। चीजें समझ में आ रही हैं? जैसे देखिए, और देखिए, राम लक्ष्मण और सीता वन को गए। राम मेन है, जो मेन पद है उसके बाद जो है हम क्या लगा देंगे, कॉमा, ठीक है। जो मेन सेंटेंस होता है उसके बाद हम क्या लगा देते हैं, कॉमा, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर और दिया है, क्लियर पूरा कर दे रहे हैं, ऊपर लिखा हुआ है, आप पढ़ भी लिया करिए। जब एक ही शब्द पर अनेक शब्द, जब एक शब्द पे अनेक शब्द पद उपवाक्यांश या उपवाक्य समान दशा में आते हों तो उनके बीच में और लगाने की संभावना, तो प्रत्येक के आगे अल्प विराम लगा जाए। देखिए मैं सीधे सीधे बता दूं, जहाँ पर आप और ना लगा पाएं, बहुत देखो मेन वर्ड दिया हुआ है, मेन टॉपिक दिया हुआ है ना। यहाँ पर दिया जाता है कि राम सीता और लक्ष्मण वन को गए, तो राम और सीता और लक्ष्मण इतना तो नहीं लिखा जाएगा, तो राम लक्ष्मण सीता, तो राम लक्ष्मण और सीता, तो राम जो मेन है उनके बाद यहाँ पर क्या लगा दिया, कॉमा। जहाँ पर ज़्यादा सेंटेंस हैं तो एक में हमने कॉमा लगा के काम चला लिया। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये है, गोपाल का सदा हंसमुख रहना, सबसे प्रेम पूर्वक मिलना, किसी की निंदा करना और अपने कार्य को मन लगा कर करना मुझे बहुत प्रसन्नता देता है। देखिए अब यहाँ पर एक चीज़ आप देखेंगे कि देखिए, गोपाल का सदा हंसमुख रहना, एक बात कॉमा लगा दिया, सबसे महत प्रेम पूर्वक मिलना, कॉमा लगा दिया, ठीक। किसी की निंदा करना, यहाँ पर कॉमा लगा सकते थे लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया, और लगा दिया, इसलिए यहाँ पर कॉमा नहीं लगाएंगे। और अपने कार्य को मन लगा कर करना, ठीक। देखिए यहाँ पर लेकिन इन्होंने और नहीं दिया, इसलिए हम यहाँ पर क्या कर देंगे, कॉमा लगा देंगे, कॉमा मुझे बहुत प्रसन्नता देता है। चीज़ें समझ में आ रही है अच्छे से, अच्छे समझ में आ रही है, किसी कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? तो ये चीज़ें हैं आप लोगों को देखेंगे, ठीक है। आप लोग बस देखते रहिए, मेरे साथ बने रहिए, कॉमा से रिलेटेड कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपके पास, इस बात का चैलेंज है। नेक्स्ट आपका जो है, देखिए, मैं सवेरे उठता हूँ, मैं सवेरे उठता हूँ, मैंने कहा मैं सवेरे उठता हूँ, यहाँ बीच में मैं रुक गया थोड़ी देर के लिए, ठीक, कॉमा, मैं एक गिलास दूध पीता हूँ। अगर यहाँ पर और ना दिया होता तो यहाँ कॉमा लग जाता, लेकिन और दे दिया गया, इसलिए जहाँ और लगाने की संभावना हो वहाँ पर हमेशा क्या लगा देना, कॉमा। अगर और लगा देते हो तब तो ठीक भाई, तीन चीज़ें हैं, जैसे मैंने कहा गणेश सुरेश महेश, तो दोनों सभी राजस्थान जाते हैं या तीनों तैयारी कर रहे हैं, या मैंने कहा गणेश महेश और सुरेश तीनों राजस्थान हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो हमने कहा गणेश महेश और सुरेश, ठीक। तो गणेश, यहाँ पर मैंने क्या करा कि गणेश लिखा, गणेश के बाद कॉमा लगा दिया, महेश और सुरेश एक साथ कर दिया, तो यहाँ पर तीनों सेंटेंस में आ गए और सेंटेंस भद्दा भी नहीं लग रहा, गणेश महेश और सुरेश, तो गणेश और महेश के बीच में कॉमा लगा दिया, नहीं तो कहेंगे क्या, ऐसे बोलेंगे गणेश और महेश और सुरेश और दिनेश, है ना। तो यहाँ पर दो के बीच में कॉमा लगा दिया, दो के बीच में और से कनेक्ट कर दिया। चीज़ें समझ में आ रही हैं? तो वही लिखा हुआ है, मैं सवेरे उठता हूँ, एक गिलास दूध पीता हूँ और स्वाध्याय करने बैठ जाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, मैं सवेरे उठता हूँ, यहाँ पर रुक गए तो हमने यहाँ पर कॉमा लगा दिया, एक गिलास दूध पीता हूँ, ठीक है, लेकिन यहाँ पर और लग गया तो यहाँ मेरी आगे बात कंप्लीट हो रही है, और यहाँ पर कहीं रुका तो है नहीं क्योंकि यहाँ पर और लगा तो यह ऑलरेडी कनेक्ट कर रहा है, अगर यहाँ पर और ना लगा होता तो यहाँ पर कॉमा लगा देते। चीज़ें समझ में आ रही है अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही किसी को? फिर यहाँ पर जो दिया हुआ है कि पानी हमारा जीवन है, देखिए फिर रुक गए तो यहाँ पर कॉमा लगा दिया, वायु प्राण है और अन्न हमारी शक्ति है, तो यहाँ पर देखिए कॉमा लगा दी, यहाँ पर और से जुड़ गया इसलिए हमने कुछ नहीं किया। अब देखिए यहाँ पर एक से अधिक आ गए, धनी निर्धन शहरी देहाती शिक्षित और अशिक्षित सभी को मतदान का
समान अधिक। देखिए एक चीज याद रखिए, देखिए मतदान कैसे लिखेंगे आप लोग, इस सेंटेंस को तुरंत उठाकर लिख लीजिए, ठीक है। मतदान कैसे लिखेंगे, मतदान, ठीक है। ये चीजें आपको पढ़ते समय भी, पेपर पढ़ते समय भी याद रखनी है। पेपर आप पढ़ेंगे, कोई आपको चीजें समझ में आ रही तो उसको तुरंत लिखिए उस तरीके, ठीक है। जैसे इसके पहले वाली वीडियो जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई, बहुत इंपॉर्टेंट है एक्यूरेसी के हिसाब से। देखिए जहां पर एक से ज्यादा सेंटेंस, एक से ज्यादा वर्ड दिए हों जो कि उसी से रिलेटेड, जैसे मैंने बताया था राम सीता गीता सीता पीता, जितने भी नाम हैं वो एक साथ दे दिए जाए और कह दिया जाए और मीता सभी राजस्थान कोर्ट हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक। तो वहां पर आप क्या करोगे, जब सबके नाम दे दिए गए तो सभी को कॉमा में लिखते चले जाओ, क्योंकि सब जगह तो और नहीं लिख सकते हैं, इसलिए सभी को कॉमा में करते चले जाओ। बस वो चीज यहां पर दी हुई है। और यहां पर दिया हुआ है विशेष चीज जो कि इंपॉर्टेंट है, तो ये दी हुई है आपको, उपर्युक्त वाक्यों में और के पहले अल्पविराम लगाने की आवश्यकता नहीं है। में और के पहले कभी भी कुछ लेखक अनावश्यक रूप से इस चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं, लेकिन उचित ये नहीं है। आपका एक्यूरेसी हटा दिया जाएगा। मे और के पहले कभी भी अल्प विराम नहीं लगाना है, याद रखेंगे। समुच्चय बोधक जैसे पर इसलिए लिख लेंगे आप लोग, पर इसलिए, परंतु, किंतु, अतः, क्योंकि, जिससे, नहीं, नहीं तो, तथापि, अव्ययों के प्रारंभ में अल्प विराम का प्रयोग होता है। आप लोग ये चीज लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। समुच्चय बोधक इसलिए, पर, परंतु, किंतु, अतः, क्योंकि, जिससे, नहीं, नहीं तो, तथापि, जितने भी अव्यय से प्रारंभ होने वाले शब्द हैं, ठीक है, वाक्य हैं, ये अल्प विराम का इनमें प्रयोग होता है। इनमें हमेशा अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने कहा तुम लंबित हो, लेकिन या किंतु, ठीक, मैंने कहा तुम लंबी तो हो, या हमने ये भी कह दिया कि तुम पढ़ती तो हो किंतु फेल हो जाती हो, तो किंतु, तो किंतु के पहले तुम क्या कर दोगे, कॉमा लगा दोगे। जैसे नेक्स्ट देख लेते हैं, मैं तो आता पर उसने आने नहीं दिया। अब पर कह दिया, अब देखो यहां पर ये भी कह सकते हैं कि मैं तो आता, दो सेकेंड के रुक गए, फिर इसके बाद हमने पर उसने आने नहीं दिया, दूसरा सेंटेंस, तो वहां पर बीच में कॉमा लगा दिया। जैसे आपको समझना है वैसे आप समझ लो, मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता जिससे बदनामी हो, मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता, फिर रुक गए हम, यहां कॉमा लगा दिया, जिससे कोई बदनामी हो, जिससे तुम्हारी बदनामी हो, जिससे जग की बदनामी हो, तो वहां पर हमने कॉमा लगा दिया। देखिए इससे यह चीज समझ में आ रहा है कि दो सेंटेंस छोटे छोटे भले हैं लेकिन अलग हैं, तो वहां पर हम क्या लगा देते हैं, कॉमा लगा देते हैं। तो इससे ये चीजें समझ में आई कि वहां पर हमेशा कॉमा लगेगा जहां पर हमें थोड़ा सा रुकना है, चाहे आप कहीं भी ले लो हमको रुकना पड़ेगा, इसलिए हम वहां पर लगाएंगे। देखिए अभी देख, जैसे ये सेंटेंस दिया हुआ है की के स्थान पर अल्प विराम का प्रयोग, देखिए कैसे लगाते हैं। जैसे कहां पर की दे दिया गया, उसने बताया वह सुबह सुबह टहलने जाता है, उसने बताया, तो देखो एक सेंटेंस, अब वहां पर की का प्रयोग नहीं हो रहा, तो इसको आप अगर सीधे सीधे इंग्लिश में समझना चाहें तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ी है, बस वही है ये। तो आप समझ लीजिए कि इनडायरेक्ट में हम लोग दैट का प्रयोग कर देते हैं, यानी की का प्रयोग कर देते हैं, तो इसमें इनडायरेक्ट में की का प्रयोग नहीं करते हैं, तो इसमें हम दैट का प्रयोग कर देते थे इनडायरेक्ट में, है ना। तो यहां पर हम लोग जहां पर की का प्रयोग नहीं करेंगे वहां पर हम लोग क्या कर देंगे, कॉमा लगा देंगे। जब कोई बात कहेंगे स्टार्ट में और लगेगा कि हमें यहां पर की बोलना चाहिए था हमने नहीं बोला, तो वहां पर हम लोग क्या कर देंगे, इसका प्रयोग कर देंगे, ठीक है। जैसे देखो यहां पर दिया हुआ है ये, उसने कहा वह सुबह सुबह टहलने जाता है, उसने कहा, अब देखिए यहां पर यह भी हो सकता था उसने कहा कि वह सुबह सुबह टहलने जाता है, तो यहां की नहीं लिखा, इसलिए आप उसको क्या करेंगे, यहां पर कॉमा लगा देंगे। आप समझते हैं कि आपके बिना काम मेरा नहीं होगा, आप समझते हैं कि, लेकिन की नहीं लगाया, तो उन्होंने क्या कर दिया, कॉमा लगा दिया। मोहन ने बताया, मोहन ने बताया वह कल भोपाल जाएगा,
तो मोहन ने बताया कि वह कल भोपाल जाएगा, लेकिन की नहीं उन्होंने बताया। वहाँ पर थोड़ी देर रुक गए, यहाँ भी थोड़ी देर रुक गए, यहाँ भी थोड़ी देर रुक गए, है ना। तो यहाँ पर तीनों में क्या लगा दिया हमने, कॉमा। ठीक है, तो आप लोग याद कर लेंगे, ये लिख जरूर लेंगे, वीडियो देखने से नहीं आती है, आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे की का वाक्य का प्रयोग करके वाक्य रचना करना भी ठीक है, किंतु की के बाद अल्प विराम का प्रयोग वर्जित है, अल्प विराम का प्रयोग वर्जित है। यथा मैंने कहा कि रमेश बीमार है, मैंने कहा कि रमेश बीमार है, यहाँ अल्प विराम का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, की के बाद कभी भी कॉमा नहीं लगेगा। ठीक है, की के बाद, की के पहले, मतलब अगर आपने, इसका मतलब ये है, सीधे मैं बता देता हूँ, जहाँ पर की लग जाएगा वहाँ कॉमा नहीं लगेगा, जहाँ कॉमा लग जाएगा, इन दोनों में और है, मानी अथवा है, दो में से कोई एक करना है, चाहे आप की लगा लो और चाहे आप अथवा लगा लो, उसका सीधा सीधा सिंपल ये कहने का मतलब है कि आप दो में से एक चीज़ केवल लगाएंगे। चीज़ें समझ आ रही हैं? अगर कह देता मैंने कहा और ये की ना लगाता तो यहाँ पर कॉमा लगा देते, लेकिन यहाँ पर की लगा दिया इसलिए कॉमा नहीं लगेगा। उसके कहने का सिंपल फंडा ये है, किसी शब्द पर विशेष बल देने के लिए वहाँ पर क्या लगाते थे हम लोग, अल्पविराम। जैसे जल्दी करो, मुझे पढ़ाई करनी है, जल्दी करो नहीं तो मेरी गाड़ी छूट जाएगी, जल्दी करो मुझे पेपर देने जाना है, भागो यहाँ मत रुको, ठीक, तो भागो, सेट अप, कोई भी ऐसी चीज़ें, मतलब कोई भी जोर दे के कोई बात कही जा रही है तो वहाँ पर हमेशा कॉमा लगा देते हैं। ठीक है, याद रखेंगे ये चीज़ें और बहुत ही इम्पोर्टेंट है चीज़ें। नेक्स्ट आपका जो है, इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे वाह आपने क्या खूब कहा है, अजीब यह भी खूब रही, धिक्कार है, ये सब बातें जो हैं वो तेज से प्रेशर के साथ बोली जा रही हैं, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे, सभी चीज़ें लिख लें आप लोग बैठ बैठ के। यह वह जब तब अब वहाँ लुप्त हो तो अल्पविराम का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, जैसे कोई कई सेंटेंस ऐसे होते हैं जो लुप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो जैसे कहा हमने कि मनुष्य जो कहता है वह, अब देखो अपने स्वार्थ के लिए कहता है, लेकिन मनुष्य अपने, जैसे कहा मनुष्य जो करता है तो अपने स्वार्थ के लिए करता है, तो यहाँ पर यह भी तो कह सकते हैं कि वह अपने स्वार्थ के लिए कहता है। ठीक, तो यहाँ पर रुक जाएंगे, या फिर ऐसे कह दें कि मनुष्य जो करता है अपने स्वार्थ के लिए करता है, तो यहाँ पर एक प्रकार से रुक गए थे बीच में, या दो सेंटेंसों को जोड़ रहे हैं इसलिए बीच में हमने क्या लगा दिया, कॉमा लगा दिया। चीज़ों को समझ में अच्छे से समझना, जब मैं जब पुकार रहा था कहाँ थे, जब मैं पुकार रहा था तो तुम कहाँ थे, तो यहाँ पर लगेगा, लेकिन तो नहीं दिया है ना, तो यहाँ पर क्या लगा दिया इन्होंने, कॉमा लगा दिया। इन चीज़ों को आप समझेंगे और इन सब को लिख लीजिए आप पुश करके, और इसको लिखेंगे ज़रूर, अन्यथा इससे केवल देखने से कभी भी सेंटेंस नहीं आते हैं, आप लोग याद रख लेंगे। ठीक है, और एक चीज़ें देखिए, जैसे यहाँ पर कई राज्यों के नाम या शहरों के नाम दे दिए जाएँ, कई प्रसिद्ध स्थान हैं जो आपको दे दिए जाएँ, उसके साथ भी आप कॉमा लगा देते हैं, कई चीज़ें एक साथ दे दी जाएँ उसी विभाग से रिलेटेड हों, जैसे मैंने कहा एसएससी और रेलवे और कोई भी चार पांच पोस्टें ले लो, ठीक है, एक साथ लिख दी जाएँ, और लिख दिया जाए भारत में ये बहुत कम पोस्टें मिलती हैं, जैसे मैंने कहा रुक जाओ, IPS IAS, फिर हमने कहा कोई बात ऐसे चार पांच बोल दी, है ना, तो ये सभी एक ही डिपार्टमेंट नौकरी से संबंधित है, इसका मतलब यहाँ पर क्या लगाते चले जाएंगे, कॉमा लगाते चले जाएंगे। ठीक है ना, जैसे मैंने कहा कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, देखिए एक ही सेंटेंस से जुड़ी हुई है ना, इसलिए हम यहाँ पर बीच में क्या करते चले जाएंगे, कॉमा लगाते चले जाएंगे। चीज़ें समझ में आ रही हैं, जैसे SSC MA PhD, देखिए सब एक ही चीज़ से संबंधित है ना, इसलिए कॉमा लगाते चले जाएंगे। शिक्षा संबंधित है, जैसे चंडीगढ़ देहरादून हरिद्वार मंसूरी सब भारत में प्रसिद्ध है, तो एक प्रकार से सभी राज्यों के नाम दिए गए हैं, है ना, सभी प्रसिद्ध हैं, तो सभी के बीच में क्या लगाते चले जाएंगे, कॉमा लगाते चले जाएंगे। ठीक है, और याद रखेंगे, देखिए लेटर वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेटर के अंत में भी लगाते हैं, ये उन लोगों के लिए है जो लेटर राइटर के लिए, देखिए दिनांक और माह के पश्चात, दिनांक और माह,
इसके बाद में हमेशा कॉमा का इस्तेमाल होता है, किंतु सन और सम्मत के पूर्व में होता है। ठीक है, जैसे हमने कहा 15 अगस्त 1948, तो 15 अगस्त ऐसे कर दिया कॉमा, वैसाख कॉमा लगा दिया, कृष्ण पक्ष कॉमा लगा दिया, सम्मत या आगे लिख दिया। ठीक है, ये देखिए 26 जनवरी कॉमा और इसके बाद ये अपनी पूरी बात कह गए। ठीक है ना, तो याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग बहुत अच्छे से देखिए। जैसे दिनांक माह पश्चात ये सब कुछ दिया हुआ है, देखिए बहुत, जैसे पेपर पत्र में आप लोग देखते होंगे कि पत्र में दिया होता है कि कैसे पत्र में क्या करना होता है, तो देखिए आप पत्र में देखिए कि पत्र के अंत में लगाया जैसा है भवदीय भवदीय या भवदीया या आपका आज्ञाकारी शिष्य या आपका मित्र, तो आपके बाद लगा देते हैं। ठीक है ना, तो लिफाफे में लिखने में, लिफाफे का जब पता लिखा जाता है तब लिखा जाता है। जैसे ये देखिए आपको लिखा हुआ है यहाँ पर, जैसे श्री मुरली मोहन राय लक्ष्मी निवास, तो ये देखिए कॉमा करके यहाँ पर लिख दिया, 4 इमली फिर कॉमा भोपाल। तो ये चीज़ें याद रखें, और कहीं भी कॉमा नहीं लगा देंगे, ये भी आप याद रखेंगे, नहीं इसके भी नंबर काट लिए जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप कहीं भी कॉमा लगा दो, कहीं भी जोड़ दो, ऐसा भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए, जहाँ पर चलो चलो और भाग चलते हैं, तो एक ही चीज़ की ज़्यादा ज़्यादा बार वो बोला जा रहा है उसको, तो वहाँ पर भी हम लोग कॉमा लगा देते हैं। ठीक है, जैसे कोई चीज़ सुनो सुनो तुम कहाँ जा रहे हो, तो सुनो सुनो लगा दिया, दो बार कॉमा लगा दिया, नहीं नहीं मैं ये काम नहीं कर रहा हूँ, नहीं नहीं करके दो बार कॉमा लगा दिया, नहीं फिर कॉमा, फिर नहीं फिर कॉमा, क्या करता क्या ना करता, है ना, दो एक ही शब्द हैं, कॉमा लगा दिया। रमेश सुरेश तुम लोग भागो घर को, तो रमेश सुरेश दो अलग अलग सेंटेंस हैं, है ना, इनको बीच में कॉमा लगा दो। तो मतलब ये कह रहा है कि कहीं भी चीज़ें एक उसकी हैं तो वहाँ पर कॉमा लगा दिया जाता है, सीधी बात। देखिए यहाँ पर, अब जैसे यहाँ पर देखिए संख्या में आप लोग जरूर देखेंगे, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए हजार लाख आदि संख्याओं को पृथक करने के लिए भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। हजार और लाख, इनको जब सेंटेंस में जोड़ा जाता है तो हमेशा इनको अलग कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे देखिए 10,500, देखिए 10,000 के बाद यहाँ पर कॉमा लगा सकते हो, बिल्कुल सही माना जाएगा, ये काटा नहीं जाएगा आपका। ठीक है, याद रखेंगे ये चीज़। जैसे 2,25,427 रुपये, ठीक है, तो देखिए 2 लाख के बाद कॉमा लगा दिया गया, 25,000 के बाद कॉमा लगा दिया गया, तो पृथक करने के लिए किया जाता है। ठीक है, और एक और है, किसी वाक्य की अस्पष्टता से बचने के लिए भी लगाया जाता है। जैसे रोको मत जाने दो, रोको मत, तो ये याद रखना, देखो इनको समझ लो, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको लिख डालो तभी जाके आपका कुछ हो पाएगा। ठीक है, ये आप सब लिख डालिए, जितनी भी चीज़ें हैं सभी देखिए। ये जैसे श्रृंगारों को अलग अलग कर जन्म देना, घर बसा लेना और जीवन भर कमाना, हो सके तो कभी किसी की मदद करना, इसी में जीवन, देखिए एक बहुत बड़ा सेंटेंस दिया हुआ है, श्रृंखला दी हुई है, आपको बता देते हैं कि कैसे यहाँ पर कहाँ पर कॉमा लगे। देखिए जैसे जीवन जन्म लेना, घर बसाना, जीवन भर कमाना, हो सके तो कभी किसी की मदद करना, इसी में जीवन चला जाता है। तो देखिए पहले हमने बोला जन्म लेना, ये एक सेंटेंस लग रहा है, इसके बाद कॉमा, घर बसाना एक लग रहा है, कॉमा लगा दिया, जीवन भर कमाना शब्द एक लग रहा है, कॉमा लगा दिया, हो सके तो कभी किसी की मदद करना, फिर इसके बाद एक कॉमा लगा दिया, क्योंकि ये सेंटेंस यहाँ से ख़त्म, जीवन इसी में जीवन चला जाता है, ये एक शब्द हो गया। ठीक, जैसे अध्यापक आए पुस्तकें निकाली जोर जोर से पढ़ाने लगे, देखिए अध्यापक आए एक शब्द, पुस्तकें निकाली दूसरा शब्द, पूरा वाक्यांश, और जोर जोर से पढ़ाने लगे तीसरा वाक्यांश, तो तीनों को हमने क्या कर दिया, कॉमा में अलग अलग कर दिया। चीज़ें अच्छे समझ में आ रही हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो आप लोग ये चीज़ें याद रखेंगे और इसको लिख लेंगे, केवल वीडियो को पढ़ेंगे नहीं, कि आप लोगों ने केवल पढ़ लिया काम चल गया, केवल पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आपको लिखना पड़ेगा। देखिए जैसे खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, देखिए अब यहाँ खूब लड़ी मर्दानी वह तो, अब यहाँ पर देखिए छंद में यति के बाद, यति का मतलब होता है कि जो पहले के सेंटेंस हैं देखिए उसमें वहाँ पर और दूसरी वाली में, ठीक है,
इनमें भी इनको कॉमा लगा के अलग अलग करना है सब, ठीक है। और संख्या के उपरांत जब कई संख्याएं एक साथ दी होती हैं, जब कई संख्याएं एक साथ दी होती हैं तो वहाँ पर दो संख्याओं के बीच में कॉमा लगा दिया जाता है। आप लोग याद रखेंगे और याद रखेंगे, कुछ जोड़े होते हैं, कुछ जोड़ों के बीच में कॉमा लगाया जाता है, सोना चांदी, रात और दिन, तांबा और पीपल, पीतल, लोहा और टिन, ये सब आज बहुत महंगे हो गए हैं। जैसे मैंने कहा, एक सेंटेंस बोला कि सोना और चांदी, तांबा और पीतल, लोहा और टिन, ये सब आज बहुत महंगे हो गए हैं। तो सोना और चांदी एक युग में कॉमा लगा दो, तांबा और पीतल एक युग में कॉमा लगा दो, लोहा और टिन एक है, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ से सेंटेंस स्टार्ट हो गया इसलिए यहाँ पर डैश लगा दिया, ठीक है। ये डैश लगा दिया इसके, और ये डैश जो लगाया हुआ है इसके बारे में वीडियो में पहले बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दी गई है, आप लोग जाके देख लेंगे कि हाइफन का चिन्ह कहाँ पर लगाना है, बता दिया गया है, ठीक है। आप लोग नए हैं तो आप लोग वो वीडियो देख लेंगे जाके। चलिए ठीक है दोस्तों, आप अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करिए उन दोस्तों को, क्योंकि कॉमा की बहुत बड़ी मिस्टेक होती है और कॉमा में सबसे ज़्यादा गलतियाँ कॉमा से बच्चे निकलते हैं, छोटे छोटे कॉमा में निकाल दिए जाते हैं बच्चे, एकोरेशी में बहुत दिक्कत करते हैं, इसलिए आपको ये वीडियो लाना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। दोस्तों के साथ शेयर करिए, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।